अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक। तो आज हम अपने नए टॉपिक की तरह चलते हैं जो है अबाउट फिल्टर्स। तो टॉपिक पे डायरेक्टली जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसे प्रोसेस को एक्सप्लेन करें जो हमें लिंक करेगा टुवर्ड्स अवर टॉपिक, दैट्स फिल्टर्स। तो वो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम चलते इस प्रोसेस की तरफ जो है अबाउट फिल्ट्रेशन। अगर देखा जाए तो आप सब जानते होंगे फिल्ट्रेशन के बारे में, और फिल्ट्रेशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम अनवांटेड चीज को बाहर कर देते हैं एक मेन चीज से, ताकि हमें वो चीज मिल सके जो हमारे इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है, जरूरत है हमें उस चीज की। तो उसमें से अनवांटेड चीज अलग की जाती है, फिल्टर आउट की जाती है, तो उसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अगर हम रेडियोलॉजी में देखें तो सेम, मतलब इधर भी सेम वही है, वही प्रोसेस होता है। होता क्या है कि हम एक रेडिएशन से अलग करते हैं अनवांटेड रेडिएशन को, जो हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरत नहीं है, अनवांटेड होता है, उसको खराब कर सकता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं उसके लिए जरूरत नहीं होता है। उस अनवांटेड रेडिएशन को हम अलग करते हैं मेन रेडिएशन से, और निकल के आता है वहां से एक यूजफुल रेडिएशन जो हमें इमेज फॉर्मेशन में यूज होती है, और हमारी जो इमेज है उससे बेटर हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन रेडियोलॉजी। लेकिन अब एक चीज आ जाती है इधर पे कि ऐसी कौन सी रेडिएशन है रेडियोलॉजी में जो अनयूजफुल होती है। हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी रेडिएशन को जो रेडिएशन अनयूजफुल हो हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। तो सिंपली हम बोल सकते हैं वो रेडिएशन है जिनकी लो एनर्जी होती है। वो रेडिएशन जिनकी लो एनर्जी हो, वो ऐसी रेडिएशन होती है जो अनयूजफुल, अनवांटेड होती है, और उनको हमें मेन रेडिएशन से बाहर करना होता है। अब हम चलते हैं इस प्रोसेस की तरफ। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो होता क्या है इस प्रोसेस से। इस प्रोसेस से दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है। एक चीज होती है पेशेंट डोज जो है वो लो हो जाता है, मींस कम हो जाता है पेशेंट का डोज जो एब्जॉर्ब करना होता है पेशेंट की बॉडी को, डोज मतलब रेडिएशन वो कम हो जाती है। ऑलराइट, दूसरा इंक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रास्ट, इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट सिंपली मीन्स जहां पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं चीजों को, किस हिसाब से, ग्रेनेस एंड ब्लैकनेस की वजह से। तो कॉन्ट्रास्ट सिंपली होता है डिफरेंस बिटवीन डेंसिटीज। डेंसिटी क्या है? ब्लैकनेस। ठीक है, जो ब्लैकनेस और जो ग्रेनेस हमारी इमेज पे होती है वो क्या होता है? वो सिंपली डिस्क्राइब करता है बोन कौन है, सॉफ्ट टिश्यू कौन है, या कोई अगर एबनॉर्मेलिटी है वो नजर आ जाती है इसके थ्रू। तो अगर ये इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली हमारी इमेज जो है वो साफ हमें नजर आएगी, चीजें अच्छे तरीके से नजर आएंगी, और कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो, कुछ भी हो, वो अच्छे से नजर आ जाएगा, है ना। तो ये दो चीजें हो जाती है विद हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। लेकिन अभी फिल्ट्रेशन जो है ये काम कैसे करता है? इसमें जो मटेरियल यूज होता है, कि कोई तो चीज होगी ना, कोई मटेरियल होगी जिसे फिल्ट्रेशन होता होगा, तो यहां पर ये फिल्टर्स उसका काम करते हैं। मींस फिल्टर्स फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है। यही फिल्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अनवांटेड रेडिएशन को अलग करते हैं। लेकिन अब करते कैसे ये अलग फिल्टर्स? फिल्टर्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं अनवांटेड, मतलब लो एनर्जी को, जो अनवांटेड होती है, जो अनवांटेड रेडिएशन, लो एनर्जी रेडिएशन है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है फिल्टर्स में, और नीचे से क्या निकल जाता है? यूजफुल रेडिएशन जो हमारे लिए जरूरत होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि जो ये फिल्ट्रेशन होती है कहां कहां पे होती है, और कितनी फिल्ट्रेशन हो जाती है टोटल में। ठीक है, तो तीन फिल्ट्रेशन है जो हो जाती है। पहली फिल्ट्रेशन जो है वो इनहेरेंट फिल्ट्रेशन है। जब हम
इनहेरेंट फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, एक ऐसी फिल्ट्रेशन होती है जो एक्सरे ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। एक तो एक्सरे ट्यूब के अंदर कहाँ कहाँ होगी, एक तो उसके हाउसिंग में होती है जो एनक्लोज करता है एक एक्सरे ट्यूब को, दैट इज ग्लास एनवलप, और दूसरी ये विंडो में होती है। तो होता क्या है, ये उस एक्सरे ट्यूब में से जो अनवांटेड रेडिएशंस बनती है उनको फिल्टर आउट कर देता है। और यहां पर इस इनहेरेंट फिल्ट्रेशन में जो मटेरियल यूज किया जाता है मेटल शीट्स मेटल का, वो होता है अल्मोनियम, और उसकी जो थिकनेस यहां पे रखी जाती है वो होती है 0.5 से लेकर 1 mm, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन है। ऑलराइट, अब हम दूसरे फिल्ट्रेशन पर चलते हैं जो एडिड फिल्ट्रेशन है। एडिड फिल्ट्रेशन जो ये एडिड फिल्ट्रेशन होते हैं, इसमें हमें दो मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक अल्मोनियम होता है विद एटॉमिक नंबर 13 एंड दूसरा कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29। और लेकिन इस एडिड फिल्ट्रेशन में हमें फिल्टर्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहला फिल्टर होता है वो होता है इसमें वेज फिल्टर। नाम से ही पता चलता है जो फिल्टर है वो वेज की तरह दिखता होगा, लाइक दिस, दिस इज अ शेप ऑफ अ वेज फिल्टर। रेडिएशन यहां से चली आती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि होता क्या इस वेज फिल्टर को और कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। जो ये वेज फिल्टर होता है ये उस बॉडी पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां बॉडी पार्ट की जो थिकनेस होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। मीन्स कोई पार्ट होगा जो थिन होगा, कोई पार्ट होगा जो थिक होगा, तो बराबर से रेडिएशन चली जाए इस अनयूनिफॉर्म अनयूनिफॉर्म बॉडी पार्ट में, उस वजह से हमें वेज फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे होता क्या है, जो बॉडी पार्ट की थिकनेस जहां पर कम होगी वहां पर कम रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जहां पे थिक होगी वहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं रेडिएशन। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो ज्यादा थिक होता है उधर ज्यादा रेडिएशन की जरूरत पड़ती है और जो थिन होता है उधर कम। अगर वेज फिल्टर ना इस्तेमाल किया जाए तो अनइवन तरीके से रेडिएशन चली जाएंगी, ज्यादा जहां पे जरूरत है वहां कम चली जाएंगी, जहां पे कम जरूरत होगी वहां पे ज्यादा चली जाएगी। इस चीज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस रेडिएशन को हम वेज फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है वेज फिल्टर से, बराबर की रेडिएशन जितनी इस थिकनेस थिन पार्ट को जरूरत है उतनी ही चली जाएगी, और जितनी थिक को जरूरत है उतना उसके अंदर चली जाएगी। तो हमारी जो एक इमेज की डेंसिटी है, उसकी ब्लैकनेस है, वो बराबर से कायम रहेगी, यूनिफॉर्मली आ जाएगी, हर जगह बराबर बराबर आ जाएगा। मींस हमारी इमेज जो है वो प्रॉपरली नजर आने लगेगी, क्योंकि रेडिएशन जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हुए होते हर बॉडी पार्ट की थिकनेस के हिसाब से। ऑलराइट, तो ये था अबाउट वेज फिल्टर। अब हम बात करते हैं दूसरे फिल्टर की जो इस्तेमाल किया जाता है एडिड फिल्ट्रेशन में, एंड दैट इज हेवी मेटल फिल्टर्स। या तो हम इसको हेवी मेटल कहेंगे या हम इसको केएच फिल्टर बोलेंगे, हेवी मेटल फिल्टर और केएच फिल्टर। इसमें होता क्या है इन फिल्टर्स से, यहां पर इस फिल्टर में जो वेरी हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं एक्सरे बीम की, वो रिमूव की जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना है कोई लो एनर्जी रेडिएशन या लो एनर्जी फोटॉन्स को रिमूव नहीं किया जाता एज प्रीवियस फिल्टर। यहां पर क्या होता है, यहां पे वेरी हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, क्योंकि वो यहां पे अनवांटेड एज अनवांटेड काम करते हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है इन फिल्टर्स से। लेकिन अब इस इधर पर एक एडवांटेज आ जाती है, इंक्रीज हो जाता है यहां पे मास ऑल्टरनेशन कोएफिशिएंट, एक एडवांटेज है यहां पे कि यहां इंक्रीज हो जाता है मास ऑल्टरनेशन कोएफिशिएंट किधर पर, एट के एच,
ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंक्रीज मास ऑल्टरनेशन कोफिशियंट का हो जाता है KH पे। अभी मास ऑल्टरनेशन कोफिशियंट क्या है, सिंपली मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि ये मेटल्स क्या करते हैं, ये फिल्टर्स क्या करते हैं, इनका काम होता है कि ये रिमूव करे हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स का। तो वही उसी मास ऑल्टरनेशन कोफिशियंट का मतलब भी यही होता है कि जहां पर हम कुछ फ्रैक्शन ऑफ फोटॉन्स जो होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं एक एक्सरे बीम से, किसकी मदद से, इन फिल्टर्स की मदद से। तो यहां पर इंक्रीज हो जाता है उस चीज का ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल का इस फिल्टर का यूज किया तो इस चीज का इंक्रीज होगा ही, क्योंकि इसी चीज के लिए हमने ये फिल्टर इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब होता जो ये प्रोसेस है ये किस जगह पे हो जाता है, ये KH पर हो जाता है। ये KH जो होता है ये एक एनर्जी लेवल होती है एक एटम में, जहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कहीं ज्यादा बियॉन्ड होती है किसके, के शेयर इलेक्ट्रॉन्स के। इसका मतलब हुआ कि बाइंडिंग एनर्जी मतलब हो गया सिंपली वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन में होती है जो उसको अटैच रखती है, क्लोज रखती है विद न्यूक्लियस। तो के शेल इलेक्ट्रॉन्स में जितनी एनर्जी होती है उससे ज्यादा एनर्जी होती है KH लेवल पे, ठीक है। तो जो KH एनर्जी लेवल होती है वहां पर के शेल इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है इस जगह पे। तो इसी जगह पे ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ऑलराइट, अब जो ये हेवी मेटल या KH फिल्टर्स होते हैं इनका जो एलिमेंट जो यहां पर इस्तेमाल किया जाता है इन फिल्टर्स के लिए वो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 60 होता है। यू हैव टू रिमेम्बर इट। ऑलराइट, क्या होता है, ग्रेटर देन 60 उनका एटॉमिक नंबर होता है। और आपको याद रखना है कि जो हेवी मेटल और KH फिल्टर्स हम कह सकते हैं इनको, ये मोस्टली हम यूज करते हैं जहां पर हम बैरियम या हम आयोडीन कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं, उस टाइम पर हम ये फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहां पर इसका दूसरा नाम KH फिल्टर रखा, या हम बोल सकते हैं इसको KH फिल्टर, क्यों, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो ये एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाती है यहां पे इस फिल्टर का जो काम है वो KH पर होता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम KH फिल्टर है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लास्ट वाले फिल्टर की जो हम एडिड फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, दैट इज मॉलिब्डेनम फिल्टर्स। और जो मॉलिब्डेनम फिल्टर्स ये पर्टिकुलरली हमें यूज किए जाते हैं इन मैमोग्राफी, और ये फिल्टर्स क्या करते हैं मैमोग्राफी, ये मदद करते हैं हमें जो हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मैमोग्राफी में हमें जरूरत होती है लो एनर्जी एक्सरे फोटॉन्स की, डोज वहां पे बहुत ही कम हो चाहिए होता है फॉर पेशेंट डोज कम होना चाहिए, जिस वजह से हमें क्या होता है जो हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं उनको रिमूव करना पड़ता है, उसके लिए हम यूज करते हैं इन मैमोग्राफी मॉलिब्डेनम फिल्टर्स। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट फिल्टर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।